गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फोर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश क्लास आपकी सेवन्थ है और डेट है ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर एशिज़ दैट मेड ड्री ब्लूम यानी कि जो एशिज़ क्या होती है राख ठीक है ब्लूम का मतलब होता है खिलना तो so, स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली बार एक कहानी सुनाई थी जिसमें क्या होता है एक ओल्ड मैन होता है एक ओल्ड लेडी होती है दोनों के पास एक प्यारा सा डोगी होता है और वो उसको बहुत प्यार करते हैं ठीक है जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी दयालु होता है और अच्छा होता है तो चलिए आगे पढ़ते हैं वन डे द डूग केम रनिंग टू हिम एक दिन जो रो, डोग है वो भाग भागा भागा भाग उसके पास आता है पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोनिटरिंग विद हिज हेड टू सम्पोर्ट बिहाइंड तो पहले तो जो ओल्ड मैन है ना उसको ये लगता है कि द ओल्ड मैन एट फर्स्ट his हिज was वॉज ओनली प्लेइंग डिन not माइंड इट तो उसको अच्छा मतलब उसको ठीक है उसे लगता है कि ये खेल रहा है सही तो थोड़ी देर पुचका देता है वो उसको बट द डोग कैप्ट ऑन वीनिंग एंड रनिंग टू एंड फोर फॉर सम मिनट्स आप लोगों ने देखा होगा जब आपके पेट आपको कुछ बताना चाहते हैं तो बहुत ऐसे जोर जोर से मतलब भूकना शुरू करते हैं और फिर इधर उधर घूमते हैं कि कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे ही मेरी, मेरी हम, हमारे पास एक छोटी सी टमी थी मेरा उसका नाम टमी रख रखा था मैंने ठीक है तो ऐसा होता था आ, मतलब बाहर भैंसे होती थी ना और टमी तो अंदा रहती थी हमारे साथ तो मम्मी की भैंस जैसे खुल जाती थी तो वो सामान वगैरह को तोड़ देती थी तो टमी भागी भागी आती थी और बहुत देर तक भोंगती भो, 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 रहती थी तो वो ये बताने की कोशिश करती कि भैंस खुली हुई है तो ऐसे ही जो हमारे डॉग्स होते हैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं ठीक है तो सेम ऐसा ही वो कर रहा होता है देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर एनिमल बिगिन लाइवली uh, स्क्रैचिंग वो कहता है एक उसके साथ जाता है तो फिर वो देखता है कि वो पेड़ के नीचे जाके क्या करता है उस उसको मतलब स्क्रैच करने लग जाता है मिट्टी को खाने लगता है थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल बरीड अ बोन और अ बिट ऑफ फिश तो उसको लगता है कि हो सकता है इसको यहाँ पे कोई या तो मछली में दब्बी हुई मछली की जो हड्डी है या फिर कोई भी हड्डी मिल गई है इसको ठीक है द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज होल इन द हो इन द अर्थ यानी कि जो uh, कस्सी होती है उसको मतलब खोदता है उसको oh, uh, पाइल ऑफ अ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम तो ये जो गोल्ड है वो चमकता है दस इन आर द ओल्ड कपल व मेड रिच और एक ही घंटे में जो रिच कप, जो कपल होता है वो रिच बन जाता है द गोल्ड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फीसट फॉर देयर फ्रेंड एंड गेव पिलंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स एज फॉर द डोग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूद हिम विद काइंडनेस तो वो मतलब डॉग को बहुत प्यार करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमें उसकी वजह से मिला है तो चलिए अब हम क्या करते हैं मैच द फॉलोइंग वर्ड द मीनिंग पॉज का क्या मतलब होता है देखते हैं डॉग्स फुट अ लॉन्ग हैंड गार्डनिंग टूल मेकिंग ऑफ अ हाई पिच क्राई और साउंड टू गिव टू मच लवर पॉज का मतलब होता है डॉग्स फुट जो उसके नीचे वाले पंजे होते हैं हो का मतलब क्या होता है अ लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल हाँ ठीक है कस्सी जो होती है फिर उसके बाद विनिंग विनिंग का मतलब होता है मेकिंग ए हाई पिच क्राई और अ साउंड स्मूदर ये हो गया पिनिंग का मतलब हाई पिच और क्राई और साउंड ठीक है ये हो गया टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन राइट रीड द द पैसेज एंड आंसर द दोग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड क्या क्या उसको क्या मिला था ट्रेजर डायमंड्स मनी या फिर ज्वेल तो इसको देखने के लिए जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ आजकल आपको ये भी सीखना होगा कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है आंसर को तो यहाँ पे है द गोल्ड सोल बोट ए पीस ऑफ यहाँ पे देखिए अ पाइल ऑफ अ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम तो क्या मिला था उसको क्या मिला था उसको ट्रेजर यानी कि खजाना नहीं मिला था डायमंड मनी या फिर ज्वेल्स तो उसको क्या मिलती थी ज्वेल्स मिले थे ठीक है क्योंकि उसको गोल्ड मिला था द ओल्ड कपल बोट अ पीस ऑफ अ लैंड मेड अ फीस्ट फॉर फ्रेंड एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर तो सभी को सब कुछ देता है वो ऑल ऑफ द आ जाएगा द फार्मर वॉज लवेबल एज ही वॉज काइंड मैन कुड एवर बी द डो गिव हिम गोल्ड पॉमर वॉज लवेबल एज ही वॉज काइंड ठीक है वो एक काइंड बहुत ही काइंड uh, इंसान था ठीक है नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्सेस तो ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे फिल करना है वन डे द डॉग कैप्ट ऑन रनिंग ठीक है टू द ओल्ड मैन पहले में हमारा रनिंग आ जाएगा फिर टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज पॉज अपने पॉज को यहाँ पे रखते हुए ठीक है सेकेंड में ये आ जाएगा देन अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग थर्ड में आ जाएगा मोशनिंग विद हिज हैड टूवर्ड्स अ किसके टूअर्ड स्पोर्ट के टूअर्ड तो फोर्थ में स्पोर्ट आ जाएगा ठीक है फोर्थ में क्या आ जाएगा स्पोर्ट आ जाएगा उसके बाद वैन द ओल्ड मैन ठीक है ओल्ड मैन ने क्या किया स्पोर्ट वेन द ओल्ड मैन डग द स्पोर्ट ठीक है जब उसने खोदा उसको द स्पोर्ट ही फाउंड क्या मिला उसको पाइल ऑफ गोल्ड ओके बच्चा तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड uh, बहुत अच्छे से आपको करना है खुद क्वेश्चन क्वेश्चंस को, को फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो जैसे ही वर्कशीट आपके आपको मिलती है क्योंकि अब आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो आपको खुद करना होगा तो कोशिश किया करो कि क्योंकि आपके पास लिंक तो पहले ही चले जाते हैं आपके टीचर्स भेज देते हैं तो कोशिश करना खुद पहले करो और फिर आंसर्स को समझने के लिए देखने के लिए आप वीडियोज़ देखो है ना बच्चा क्योंकि हम बहुत टाइम से खुद तो कर ही रहे हैं और स्टोरी जो है आपकी बुक से भी पढ़ने की कोशिश किया करो तो आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम लोग हैं फाइव हंड्रेड लाइक्स थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे मे गॉड ब्लेस यू